हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति और आज मैं आपको सेंजन का एक पार्क दिखाने वाली हूँ। वैसे तो सेंजन में काफ़ी सारे ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, यहाँ के पार्क्स काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज आपको यहाँ के पार्क्स ही दिखा देती हूँ। तो आज मैं आई हूँ लीची पार्क, और मैंने ये पार्क इसलिए चुना ना बिकॉज इस पार्क में एक तरफ तो पूरा ग्रीनरी है, काफ़ी सारे पेड़ हैं। और इस पार्क में अगर आपको पीछे दिख रहा है तो एक चाइनीज़ स्टाइल का आपको ब्रिज भी दिखेगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारा चाइनीज़ आर्किटेक्चर है। एंड यहाँ पर एक तरफ लेक भी है, एंड देन यहाँ से जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है मेरे सर के ऊपर, यह है यहाँ की फेमस बिल्डिंग KK100। तो यहाँ से सिटी व्यू और यहाँ के बिल्डिंग्स का व्यू भी बहुत अच्छी तरीके से दिखता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज ये पार्क दिखा देते हैं आपको। एंड आप देखिए और मुझे बताइए आपको ये पार्क कैसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, तो लीची पार्क जाने के लिए आप हॉन्गलिंग स्टेशन उतर जाइए और वहाँ से एग्जिट लेना। वहाँ से लाइक बस 5 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पर ही लीची पार्क है। तो गोल्डन वीक चल रहा है यहाँ पर, छुट्टियों के दिन है यहाँ पर, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं खेलने के लिए। इस पार्क में एक तरफ तो यहाँ पर सारे ग्रीनरी है, सब कुछ ग्रीनरी है, यहाँ पर बड़ा सा पार्क है। और इस तरफ आप देखेंगे तो सेंजन सिटी दिखेगी आपको, एंड सेंजन सिटी के काफ़ी सारे पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले आपको लेक साइड व्यू दिखाती हूँ इस पार्क में। आप ओके, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऑफकोर्स KK100 है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बट लेक व्यू पहले देखते हैं। लेक साइड तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है खेलने के लिए, तो काफ़ी सारे वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं ये ब्रिज क्रॉस करके लेक के पास जा रही हूँ। देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ब्रिज पर सब चाइनीज स्टाइल का उन्होंने कुछ पेंटिंग्स कार्व किए हुए हैं। मैं अब ब्रिज से आ गई हूँ नीचे इस लेक की तरफ, और यहाँ पर भी एक्चुअली बहुत सारे यू नो बच्चे ही है। ऑफकोर्स गोल्डन वीक है, छुट्टियों का मौसम है, तो काफ़ी सारे फैमिलीज के साथ ही आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर पानी कितना क्लीन है, और ये पानी एक्चुअली ज़्यादा डीप भी नहीं है, इसलिए बच्चे आराम से पानी में जाके खेल भी रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी है यहाँ पर सेफ्टी के लिए। पिकनिक मनाने भी बहुत अच्छी जगह है ये। एक लड़की यहाँ बबल्स साथ खेल रही है, सो क्यूट। ये देखिए लोटस का प्लांट कितना ये पास में है, और यहाँ पर फिश भी है। अब ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं इस ब्रिज पे, चलते हैं इस ब्रिज की तरफ से। हिबिस्कस के काफी सारे फूल हैं यहाँ। यहाँ पर चाइनीज स्टाइल सिट आउट है, यहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ है। देखिए सबसे चाइनीज स्टाइल है, आप यहाँ बैठ कर रिलैक्स कर सकते हो। आगे एक और ब्रिज है, और इस ब्रिज के आगे भी कुछ चाइनीज आर्किटेक्चर दिख रहा है, तो वहाँ चलते हैं। इस पार्क में एक्चुअली काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं, क्योंकि लेक है तो यहाँ से वहाँ कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने ब्रिजेस डाले हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं।
यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है, देखिए। तो ये भी बेसिकली चाइनीज़ स्टाइल सिट आउट एरिया ही है, काफ़ी बेंचेस वगैरह रखे हुए हैं एंड इट्स गुड बिकॉज पार्क काफ़ी बड़ा है तो आपको अब थक ही जाएंगे, और यहाँ वहाँ बैठने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे बेंचेस भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अंदर भी उन्होंने कुछ चाइनीज़ पेंटिंग्स किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्रैगन पॉपुलर इन चाइना। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, यहाँ पर फेस्टिवल के टाइम फ्लैग्स लगाते हैं, इसलिए इन्होंने ब्रिजेस की दोनों तरफ यू नो यहाँ पर अभी फ्लैग लगाया है बिकॉज गोल्डन वीक चल रहा है। एक और चाइनीज स्टाइल यहाँ पर है जहाँ पर आप जाके रेस्ट कर सकते हो, वहाँ पर खड़े होके व्यू देख सकते हो। ये एक एंट्रेंस है पार्क का, ये पार्क काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी तरफ से एंट्रेंसेस है। यहाँ पे फोटोशूट भी चल रहा है, स्कूल ड्रेस में बुक लेके बैठी है, सेंजन में फोटोशूट्स तो चलते ही रहते हैं, आप किसी भी पार्क में जाओ कहीं ना कहीं आपको फोटोशूट चलता हुआ दिखेगा ही। तो अब मैं जा रही हूँ इस जगह ऊपर, चलते देखते हैं वहाँ से व्यू कैसे है। ओके, यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं। मैं वहाँ से आई है एक्चुअली, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो जो ब्रिज है, मैं वो ब्रिज से पूरा घूमकर ऐसे इस तरफ आई। इस ब्रिज पे भी आपको दिखा दिया, वहाँ पर सीलिंग वगैरह पे, वहाँ पे जो वॉल्स पे पेंटिंग किए थे वो। यहाँ पर डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालसा, एक तरफ सालसा चल रहा है और ये लेडी चाइनीज फिट कर रही है। ये कुछ चाइनीज गाने पे डांस कर रही है। देखिए बैठने के ऑप्शंस कम नहीं है, तो आप यहाँ भी बैठ कर रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बोटिंग का भी ऑप्शन है, अगर आप बोटिंग करना चाहे तो आप बोटिंग के लिए भी जा सकते हो। यहाँ कुछ बच्चे बबल्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड भी है, सिर्फ लेक ही नहीं है, छोटा सा ही है बट हाँ एक पॉन्ड भी है यहाँ पर। तो ये ब्रिजेस भी जो आपको दिख रहे हैं ये सारे चाइनीज स्टाइल के ही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज स्टाइल को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है इस पार्क में। इस लेक में कुछ बर्ड्स भी आए हुए हैं, तो अब इसी ज़िगज़ैग ब्रिज से आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ गेम खेल रहे हैं लोग, पैर से मार रहे हैं, काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं यहाँ पर वो गेम। जो हम बॉल से खेलते हैं वो कुछ और लेके खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं। Oh,
मैंने लेक साइड का तो आपको दिखा दिया था, अब हम ग्रीनरी की तरफ चलते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ है और मौसम भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत कूल है। यहाँ पर एक फैमिली मैचिंग टी शर्ट्स डाल के फ़ोटो निकाल रहा है, दैट्स क्यूट। इस पार्क में एक्चुअली यू नो ऑलमोस्ट हर जगह से ये बिल्डिंग दिखती है, KK 100। अब पार्क में एंटर करते हो दूसरी तरफ से, वहाँ से भी ये KK 100 दिखाई देता है। तो मुझे एक और ग्रुप दिखाया डांस करते हुए, काफ़ी सारे ही ग्रुप यहाँ होते ही है डांस करते हुए। तो यही मुझे कुछ चाइनीज स्टाइल का दिखा था, ये भी आराम करने ही बैठा रखा हुआ है मैंने, बट यहाँ पर भी कुछ चाइनीज स्टाइल का बनाया हुआ उन्होंने। और यहाँ पर अंदर एक ट्रेडिशनल ड्रेस डालकर कोई एक लड़की ट्रेडिशनल डांस भी कर रही है, वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैचूज भी लगाए हैं, ये भी पुराने ज़माने की औरतों का वो लुक है। तो यहाँ पर कुछ स्टैचूज लगाए हैं और यहाँ पे ये जो पत्थर रखे हैं साइड में, इस पर भी उन्होंने चाइनीज स्टाइल में कार्व किया हुआ है, जैसे वो ब्रिजेस के साइड में थे ना उसी तरह का यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ऑफ कोर्स पार्क है तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो होंगे, मैं आपको थोड़े बहुत दिखा देती हूँ। देखिए हिबिस्कस के इतने छोटे छोटे प्लांट्स सही है, बट इनको कितने सारे फूल आए हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी लोग यहाँ पर जॉगिंग के लिए भी आते हैं। तो ये पार्क्स इतने बड़े होते हैं ना, यहाँ पर काफ़ी जगह पर उन्होंने डायरेक्शन बोर्ड्स लगाए होते हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी है यहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो लेफ्ट साइड पर है, वो भी उन्होंने दिखाया हुआ है। और कुछ होगा, कोई स्पेशल जगह है यहाँ पर, तो उन सब का भी वो लोग एरो डालकर डायरेक्शन बोर्ड पे रख देते हैं, सो यू कैन फॉलो दोज डायरेक्शंस। पार्क में एक प्ले एरिया भी है बच्चों को खेलने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ओपन स्पेस में ही खेलो, यहाँ पर कुछ राइड्स भी रखे हुए हैं तो बच्चे यहाँ भी आके खेल सकते हैं। यहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स भी है, बट क्योंकि ये हॉलीडे सीज़न है ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं खेलने, तो सारे इक्विपमेंट्स पे आपको बच्चे ही दिखेंगे खेलते हुए। अब कहीं भी देखिए, चाहे ये ग्रास देखिए या फिर ये रोड देखिए, दे आर सो क्लीन। ये पार्क्स इतने क्लीन और वेल मेंटेन्ड होते हैं ना, और आप किसी भी पार्क में जाइए, हर एक पार्क इनका वेल मेंटेन्ड है, और बहुत बड़े बड़े पार्क से लाइक यू नो आप किसी भी पार्क में जाइए, आपको एक से दो घंटा तो मिनिमम लगता ही है पूरी तरह से, अगर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है तो। पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक मनाइए या फिर रिलैक्स करिए, सो जाइए यहाँ पर।
तो यहाँ पर कुछ अजीब वगैरह पत्थर भी रखे हैं जहाँ पर ये बस बच्चे मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हो। यहाँ आगे भी कुछ छोटा सा वाटरफॉल और वाटर स्ट्रीम है। देखिए यहाँ पर एक चाइनीज स्टाइल का ब्रिज भी है। आगे चलते हैं। आप कहीं भी जाइए ये KK 100 तो आपको दिखेगा ही। तो ये वही लीची पार्क है जो मुझे आपको दिखाना था। आई होप आपको ये पार्क अच्छा लगा होगा और मेरा वीलॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या अच्छा नहीं लगा, और आपको और क्या देखना अच्छा लगेगा वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Oh,